हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिल्वर सिटी राइडर्स। आज हम सुबह 4:45 हुआ है, हम जा रहे हैं आज उड़ीसा के प्रसिद्ध बाली यात्रा देखने के लिए। और आज शुरुआती टाइम है, आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो हम कुछ फटाके फोड़े और इसके बाद निकले हम वहाँ देखने के लिए कि आज कैसे बाली यात्रा का पहला दिन कैसे लोग जाके मनाते हैं। तो यहाँ का त्यौहार जो है कार्तिक पूर्णिमा, यहाँ पे नाव छोटे छोटे नाव करके नदी में बहा देते हैं और वो ही आज का फेस्टिवल है। तो हम सिटी से अभी निकल गए हैं, तो हम पहुँचेंगे गड़गड़िया घाट जो महादेव जी का मंदिर है, और उसके सामने जो बाली यात्रा का जो नदी के अंदर होता है महोत्सव, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके सब कुछ देखेंगे कि कैसे कैसे सुबह सुबह वो सारे चीज़ त्यौहार मना जाता है। तो अभी 45 बोल रहा था तो उससे ज़्यादा टाइम हो गया। कड़क की ठंड पड़ गई है सुबह सुबह आज, और देखते हैं लोग तो यहाँ पे नहीं है, बहुत सुनसान है। और फिलहाल धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, एक्साइटिंग हो गया है तो इसलिए हो गया। तो देखते हैं वहां पे जाते हैं। अपन जाएंगे आई लेने नहीं भाई, ये चौक पूरा अंधेरा है। ये आगे जो चौक आएगा सती चोरा चौक, फिर शेल्टर चौक, उसके बाद कनिका चौक, फिर वहां से बिजबरना चौक होते हुए नदी के रास्ते से ऊपर उठ जाएंगे। कितना ठंडा है, मनाते हैं।
तो उतना ही फेमस ही आज का बाली यात्रा है। देखिए उधर भीड़, थोड़ा भीड़ मतलब वहाँ पे थोड़ा लोग जमा हुए हैं। वहाँ पे मंदिर में आरती भी शुरू हो गई है सुबह सुबह। कितना अच्छा माहौल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही डिवोशनल फीलिंग्स हो रहा है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और बाकी का सेरेमनी जो हो रहा है देखते हैं। सुबह सुबह लोग इतने ठंड में कैसे ना आते हैं। हाँ कितनी ज्यादा पड़ जाने सकाल सकाल, बाप रे बाप। अल्लाह जैसी देखिए गु लाइट। ये है बाली यात्रा का जो पहला दिन। फिर भी इसको जमावड़ा लेने के लिए लोग थोड़ा होने के लिए और दो दिन लगेगा शायद। लग रहा है लोग नहीं सोए। देखिए कितना बुरा हाल है इनका, इन लोगों का, जो रात को इस ठंड में आसमान के नीचे टाइम गुजार रहे थे। ये कहते 10 रुपए है एक का। कितना सुंदर छोटा छोटा सा नाव बनाते। वहां अंदर चलते हैं। कर रही है ताले से ऊपर को रखी जा रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको वो नियरली क्या क्या चल रहा है वहाँ पे दिखाते हैं। तो अंदर देखिए यहाँ पे सारे जितने भी है लोग भीड़ जमे हुए हैं। तो नाव को थोड़ा बाहर है, फिर अंदर भी वही चल रहा है। चलिए नियरली देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे सारे लोग नाव ऐसे छोटे छोटे नाव करके बहाते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। पूरे महानदी का ये किनारा है जहाँ पे इतने सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। सी ये जो बाली यात्रा है साल में एक ही बार आता है कार्तिक पूर्णिमा में। तो बहुत लोग यहाँ से बहुत देरी से वेट मतलब बहुत वेट करते हैं। देखिए एक साल में एक आता है और ज़ोर शोर से मनाते हैं। इतना अच्छा दिख रहा है देखिए। Thank you.
आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने अच्छे से माहौल बना हुआ है। और ये आपको मैं बता दूँ, ये हर साल माहौल बना रहता है। यहाँ पे ढेर सारे लोगों का समागम होता है और यहाँ पे छोटे छोटे नाव बना के ऐसे नदी में बहा देते हैं। यही यहाँ का मतलब पर्व है जो हम मनाते हैं उड़ीसा में। बहुत ही सुंदर सुंदर लगता है यहाँ का ऐसा फेस्टिवल, साल में एक ही बार होता है। और यहाँ पे पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे बाली यात्रा चल रहा है और ये कार्तिक पूर्णिमा का नाव का फेस्टिवल है ये। देख रहे हैं कितने सारे लोग यहाँ पे गैदरिंग हुए हैं। सुबह से हम 4:45 से 5 बजे तक यहाँ पे आके 5:10 बजे आके पहुँचे। तो ये हमारे भाई इनके साथ आए हैं सुबह सुबह, तो कंपनी भी मिल गया। और आज वो भी कितने कितने दिन पर आए थे लोग, कितने दिन पर रेडी देखे थे भाई ना अधिका, एक साल के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये बाली यात्रा। तो बहुत ही अच्छे सिस्टम में ही होता है, बहुत डिसिप्लिन में हुआ है। यहाँ पे जितने सारे फायर ब्रिगेड्स हैं वो भी बहुत अच्छे संभाल रहे हैं अपने ड्यूटी। और इधर मेला जिससे लगा हुआ है और धीरे 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 ये मेला 9 दिन तक चलेगा, 10 दिन तक। ये आज जो नाव बहाने का वो जो त्यौहार है वो आज ख़त्म हो गया और इसके बाद अभी ऊपर जाके वहाँ पे मेला लग रहा है। वहाँ पे लोग जाके खाएंगे, सुबह सुबह नाश्ता करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि इधर का जो फेमस नाश्ता है, मतलब फेमस जो इस त्यौहार में चलता है, उनका पूरी गोभी कसा और चना तरकारी उसको बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा पूरी का साइज़ का डबल होता है और एक बड़ा थाली जैसा होता है बड़ा पूरी। और उसके साथ जो होता है गोभी का जो फूलगोभी और आलू के सब्जी जैसा होता है, और जो पनीर की जो होती है भाजी पनीर की उसकी करी होती है। और उसके बाद आलू दम दही बड़ा के जितने भी फेमस कटक के हैं सब वहाँ पे फूडीज लगेंगे। और बाकी का जो है आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, पानी पूरी भी मिल जाएंगे। बहुत सारे कटक के जितने भी हैं, मालपुआ, डालमा, ढेंकानाल, दही बोरा और आलू कोसा, ऐसे कुछ है। उड़ीसा के हर एक कोने से कोने कोने से लोग आएंगे यहाँ पे खाने के लिए। स्टॉल पर डाले रखे हैं। हम जो यहाँ पे हैं वो नदी के अंदर का है ये माहौल। नदी के अंदर से उधर जो भी आप देख रहे हो उधर एक मेला लगा हुआ है, और नदी के उस पार भी जो ऊपर का बारावटी स्टेडियम है वहाँ पर भी मेला लगा हुआ है। तो ये दोनों तरफ मेला लगा रहता है, बहुत ही अच्छा माल रहता है। चलिए आपको एक एक करके आप दिखाएंगे, हर दिन आपको एक अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी आज पहला चरण है और पहला जो आज त्यौहार है, आज पहला दिन है। तो आज पहले दिन में जितना आपके आज फ्रेश खाना है ना वो लोग आते हैं खाने के लिए। तो दूसरे दिन क्या होता है ना, थोड़ा धूल वगैरह जम जाती है, डस्ट हो जाता है, तो इसलिए कोई के लोग विश्वास रखते हैं सुबह सुबह आके वो पहली बार खा के चले जाएँगे। तो आज चल पूछते हैं वो पुलिस भैया को क्या करते हैं आज का, आज क्या क्या कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कैसे आप यहाँ पे भीड़ चल रही है। चलिए उनको पूछते हैं। मैंने गोटे यूट्यूब चैनल असल में पहुँचा रहे तो आज उनको पूछते हैं। तो चलिए उनको पूछते हैं। तो पूछेंगे सर जी को कि आज आपको माहौल कैसा लग रहा है और आप देख रहे हैं उड़ीसा से पूरा बाली यात्रा फेमस है, कैसे कंट्रोल करते हैं क्राउड, आप बोलिए आज का भीड़ आपको कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आज का दिन आपको? अच्छा लग रहा है। और
भीड़ है मतलब आपको आज भीड़ तो ज्यादा नहीं है, ठीक है ठीक है। और आप नाव आज नौका नहीं बहाए नदी में? नहीं नहीं, मतलब ड्यूटी में है नौका का। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो आज आप देख रहे हैं बहुत यहाँ पे लोग जो हैं वो भीड़ तो नहीं है बोल रहे हैं, मगर थोड़ा थोड़ा गैदरिंग हो रहा है। तो चलते आज ऊपर वहाँ पे जाके देखते हैं कि देखिए छोटी सी बच्ची यहाँ से पटाखे फोड़ रही है। चलते हैं उसके ऊपर जो नदी के ऊपर, तो वहाँ पे क्या फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पे देखेंगे। और बाकी वहाँ पे जो भीड़ लगा हुआ है वहाँ पे देखेंगे क्या क्या आज खाने को फेस्टिवल है, जो खाना वहाँ पे मिलता है वो फ्रेश फूड मिलता है वहाँ से होके हुए हम जाएंगे। चलिए चलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे आए हैं आज, आपको एक उनके साथ रूबरू कराएंगे और क्या क्या यहाँ पे आप कितने दिन से ये बिजनेस उनका है और कितने दिन से ये कटक से चालू हुआ ये सारे आपको आज हिस्ट्री में बताएंगे। तो चलिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे देखिए कितने बड़े पूरी हैं, आराम से तेल में चले गए। तो चलिए उसको आप थोड़ा क्लोजअप दिखाते हैं क्या क्या होता है यहाँ पर। आपका यहाँ पे कितना दिन से आप ये पूरी आप मतलब अपना बिजनेस कर रहे हो आप कितने दिन से? अच्छा हो ठीक अच्छे। तो आप कितने लाइन ये पूरी छाणु बालीयात्रा के वर्ष लाइन पूरी छाणु चौदह वर्ष होगा। अच्छा भल चलता। अच्छा तो आपण ठुंकापुरी विषय किसी कहतु आप कत वर्ष हिस्ट्री आ कौन कौन कौ वर्ष आरंभ हो आप कि जानते हैं? अच्छा ठुंकापुरी आपण कटक्र जेहेतु आप प्रत वर्ष ठुंकापुरी छाणु तो आप हिसाब से आज के लोक हे आप ठुंकापुरी आज गले खाइक अच्छा तो आज पाँच लोक खाइक गले जा के सका आप कर मानिया पड़ो परिश्रम भी बहुत कर। ये बोल रहे थे कि ये बहुत सालों से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और भगवान जी की महादेव से कृपा से ये ठुंकापुरी का जो बिजनेस है उनका चल रहा है। आज सुबह से 500 लोग यहाँ पे खा के गए हैं। तो इसके साथ क्या है भाजी है ना, मजा कौन अच्छी आज में देखिए। तो इसके साथ क्या क्या भाजी, ये सारे रसगुल्ले हैं, ये बहुत बड़े बड़े रसगुल्ले हैं यहाँ पे। और वहाँ पे कुछ तरकारी लगा हुआ है देखते हैं। ये जो है पनीर की करी है और ये छोला है चना ही मसले। अच्छा तो थोड़ा दिखाइए कैसा है। वाह देखिए कैसा निखर रहा है, कलर भी कैसा अच्छा है, फ्रेश है, डिलीशियस है। कटक कभी आ रहे हैं तो ज़रूर आइएगा, यहाँ पे बालीयात्रा अटेंड कीजिएगा और खा के जाइएगा, बहुत ही अच्छा है माहौल। और ये पूरा फ्रेश सब्जी है जो यहाँ का कटक का सबसे फेमस है, ठुंकापुरी के साथ ये सब्जी और वो चने मसले और पनीर जो है तो इसका पूरा एकदम लुत्फ़ उठाइए, पूरा डिलीशियस है, बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट के लिए। तो इधर सब डोब जो है बन के रखे हैं और उसके बाद वो पूरी होना चालू हो जाएगा। देखते हैं इधर पूरी तलेंगे। देखिए कितने बड़े पूरी, पूरी के भी दो डबल या तीन डबल। वाह बहुत ही अच्छा है। देखिए कितने अच्छे से खूबसूरती से इसको तल रहे हैं, कितना बड़ा पूरी है। तो इट्स अ बिग जायंट साइज। तो चलिए और भी आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये एक स्टॉल था हम जिसमें आए थे, इतने ढेर सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं ठुंकापुरी के, चाट
और आलू दम दही बड़े तो अंदर चल रहे हैं। इधर आप देखिए वो पूरा ठोंका पूरी यहाँ पे चल रहा है। कुछ कुछ बिना प्याज लहसुन के भी ठोंका पूरी यहाँ पे चलते हैं। तो अंदर थोड़े चलेंगे, क्या क्या स्टॉल हुआ है यहाँ पे बना है। आज सुबह तो जो भी यहाँ पे लोग आते हैं फ्रेश खा के जाते हैं, तो आज के बाद जो भी खाने के लिए आएंगे तो थोड़ा देख के खाना, क्योंकि थोड़ा धूल जम जाता है, थोड़ा डस्ट हो जाता है, क्योंकि आज पहला दिन है। सब अच्छे रहते हैं और अच्छा खाना, उसके साथ जो खाने का जो मटेरियल है वो ख़राब नहीं होता। चलिए देखते हैं, इधर तो कुछ शुरुआत नहीं हुआ है, तो हम फिर से आएंगे शाम को और देखेंगे। लोग अभी लौट रहे हैं जो सुबह 4 बजे 5 बजे आए थे, अभी घर लौट रहे हैं खा पी के, फिर शाम को आएंगे। हर दिन शाम को आते यहाँ पे एंजॉयमेंट चलता रहेगा। और यहाँ पे जो बाली यात्रा में सिर्फ खाना नहीं और वगैरह जो है वो जो ऑटोमोबाइल के यहाँ पे भी वो एडवर्टाइजमेंट भी चलते रहते हैं, मतलब वो भी परचेजेबल रहते हैं, खरीदते हैं लोग। तो ये सारे स्टॉल जो देख रहे हैं ये स्टॉल तीन या दो दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। आज ये स्टॉल कुछ खुला नहीं है, धीरे धीरे सब खुलेगा। ये उसका सेकंड वाला पार्ट है, जो दूसरा वाला आपको हमने दिखाया था नदी के अंदर जो बाली यात्रा है वो सबसे बड़ा है इससे। और जो उसके अंदर जो ओरमास आता है, उड़ीसा का जो हैंडलूम और उड़ीसा का जो हैंडक्राफ्ट काम आता है, वो थोड़ा उसका क्राइटेरिया थोड़ा बड़ा है। तो थोड़ा घूमने के लिए 2 दिन लगते हैं, पूरे बाली यात्रा घूमने के लिए 3 दिन पकड़ लो आप, 3 दिन लग जाते हैं। ये सुबह का माहौल है बारावती स्टेडियम का, बहुत ही अच्छा लगता है, कोहरा लगा हुआ है और फ्रेश खाने की खुशबू और लोगों की जो आज त्यौहार का मनाने की खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा लोग आ रहे अभी भी दिल बच्चा है, ऐसे भी बहुत लोग यहाँ पे मजा करने के लिए निकल जाते हैं। इतना खूबसूरत माहौल है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह का जो माहौल होता है कटक में वो देखने लायक होता है।
आते विजुअल नाइट चौक पहुँच गए हैं, घूम घाम के वहीं पे तो इसी रास्ते से हम गए थे, इतने अंदर तक नहीं आए थे तो इधर राइट। Ha ha!